आइए बात करते हैं जिंदगी की एक्साइटमेंट्स के बारे में। लेकिन रुकिए, पहले हाजी साहब को एयरपोर्ट से लाने की एक्साइटमेंट है। वापसी पे एयरपोर्ट से वापस आए हैं। हाजी साहब तशरीफ ले आए हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आए हैं और जो उन्होंने ऐसे ऐसे करके बच्चों में बांट दी है। एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड और मुझे ये देख के याद आ गया कि यार टाइम था हम भी इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करते थे। अब तो ऐसा है जैसे किसी भी नई चीज़ पर एक्साइटमेंट होती नहीं है। और मुझे याद है माई अर्लीस्ट एक्साइटमेंट वॉज एसोसिएटेड विद माई बेबी बाइक। फिर उसके बाद एक टाइम आया 6th, 7th, 8th class में, मुझे रेडियो का बहुत ज़्यादा शौक हुआ और मैंने पहला रेडियो ख़रीदा। बड़ा सिंपल सा रेडियो था और उस दौर के मेरा ख़्याल है कि सबसे मॉडर्न रेडियोज़ थे और उसकी सबसे ज़्यादा फैसिनेशन यही होती थी कि बस इसके चैनल चेंज करना, घुमा के देखना और बस बड़ी फैसिनेशन थी। उसके अंदर क्या है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक किट है उसके अंदर क्या है, तो वो मैंने जो है ना बड़ा मज़ा किया। उसमें जो प्रोग्राम्स लगते थे उनमें तो इतनी इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन उसमें जो साउंड आती थी और उसमें चैनल चेंज करना और फिर रात को सोने से पहले उसको अपने तकिए के पास रखना, दैट वाज सो फैसिनेटिंग टू मी। फिर एक वीडियो गेम थी उन दिनों में जो कि मिकी माउस एग्स कलेक्ट करता था, बास्केट थी उसके पास, वो मेरे पास रही। ये वो वाली एक्साइटमेंट्स हैं जिन्होंने मेरी रात की नींद उड़ाई थी। वाओ, व्हाट अ ग्रेट मेमोरी। और फिर मैंने ओराइट का एक पहला कैमरा ख़रीदा, दैट वाज माय फर्स्ट डिजिटल कैमरा। लेकिन उसने मुझे डिसअपॉइंट किया, वो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था और मैंने बहुत जल्दी इंटेल का कैमरा, उन दिनों में बहुत ज़्यादा मशहूर था, नया नया आया था, फर्स्ट डिजिटल कैम था वो और उसकी रेजोल्यूशन तो खैर बहुत थोड़ी थी लेकिन ये है कि वो पिक्चर्स बड़ी कमाल की लेता था। और उसके बाद मुझे स्केचिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ, मैंने स्केचिंग सीखा, स्केचिंग लाइव स्केचिंग के लिए मैंने बंदियों को पकड़ पकड़ के बिठाना हॉस्टल में, घर में, और लाइव स्केच करना, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट रही। फिर वो पहला म्यूज़िकल कीबोर्ड खरीदा की बड़ी एक्साइटमेंट थी। फिर ब्लैक फ्राइडे पे मैंने अमेरिका में था जब मैं, तो मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा सोनी का, आज तक मेरे पास है, वर्किंग है। उसकी 11वीं जो है ना सालगिरह हमने मनाई है पिछले दिनों। अभी प्रोफेशनल कैमरा ख़रीदा, तो इन चीज़ों पर मैं जब देखता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ करती थी। अब वो वाली एक्साइटमेंट तो नहीं है, अब आके थोड़ी तबीयत जो है ना वो कूल हो गई है, थोड़ी ठहराव आया है तबीयत, अब ना वो इस तरह, अब ना वो बेचैनी, पर थोड़ा सुकून है। वो कहते हैं ना द थिंग दैट यू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग, वो थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन एक चीज़ है जो पिछले कुछ दिनों से तबीयत में इस तरह लेके आ रही है, इंतज़ार है, फिर वही कैफियत
तबीयत पे तारीफ हो रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है, आई बॉट अ न्यू ड्रोन कैमरा।